जैसा कि दोस्तों आपके सामने दिख रहा है, दो एमसीबी और एक एमसीबी चेंजर हमने लगाई हुई है। आज इसमें हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। ये देखिए, जो हमने पट्टी ओपन की है, इसमें हमारा दो वायर आया हुआ है, चार वायर है, जो हमारे मकान से आया हुआ लाइट है, जो हमारे मकान में लाइट जाती है। तो दो हमारे, एक रेड और ब्लैक येलो वाली लाइट की है और ब्लैक वाली दो न्यूट्रल की है। तो हम इसमें आज आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एमसीबी में डायरेक्टली लाइन देना, लाइट देना है, तो आप खंभे से दो वायर लाइए, एक न्यूट्रल एक फेस का। तो एमसीबी पे, जिस एमसीबी पे फर्स्ट वाले एमसीबी पे फेस दिया गया है, आप उस पर फेस दीजिए। सेकंड वाले एमसीबी पे न्यूट्रल दिया है, आप उसमें न्यूट्रल दीजिए। अगर आपको यही कनेक्शन एमसीबी चेंजर से करके देना है, मान लीजिए आपको घर में जनरेटर वगैरह आया था, आप उसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं एक साथ में, आपको वायर बार बार चेंज ना करना पड़े, तो इसकी वजह से आप एमसीबी बगल में डाल सकते हैं। तो ये एमसीबी इंस्टॉल करने के बाद एमसीबी चेंजर से हम लाइट को लेते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, एमसीबी चेंजर से जो हमने हमारा लाइट आउट हुआ था, सॉरी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल के पॉइंट पे हमने सेकंड वाले एमसीबी पे दे रखा है। इसको हम अच्छे से टाइट कर देते हैं इसको ड्राइवर की मदद से। फिर हमें एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, ये हमने वो ब्लैक कलर का था न्यूट्रल के लिए, हमने लाइट के लिए ब्लू कलर का वायर लिया है। तो जो एमसीबी चेंजर है उसके ऊपर वाले सिरे से हमारा लाइट एक आउट होता है, तो दूसरे वाले पॉइंट से हम इसको अच्छे से टाइट करते हैं। टाइट कर देने के बाद हम एमसीबी के जो फर्स्ट वाला एमसीबी है उस पर हम लाइट को इन कर देते हैं, जो कि हमारा चेंजर लाइट आउट करेगा, तो हमारा लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले एमसीबी पे इसको कनेक्ट कर दिया है। जैसा कि आपको हम पहले भी बताए थे कि जो लाइट आती है हमारा न्यूट्रल और फेस करके आता है, तो वो हम जो डायरेक्टली ऐसे यहाँ से करते हैं, तो हमारा ये एमसीबी चेंजर से होके गुजरता है। तो इससे हमें बेनिफिट होगा, हम दो लाइटों को एक साथ में यूज कर सकते हैं, नीचे और ऊपर करके। तो हमको, हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि स्क्रू अच्छे से टाइट करना, कोई लूज कनेक्शन ना हो, नहीं तो आपको शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो हम ये वायरिंग से आई हुई पट्टी को, केसिंग को अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखिए, नीचे एमसीबी चेंजर में चार पोल होते हैं, दो नीचे के साइड में होते हैं, दो ऊपर के साइड में होते हैं। तो ऊपर के साइड में हमें ऊपर का लाइट मिलता है और नीचे के साइड में नीचे का लाइट मिलता है। तो हम ऊपर वाले, सॉरी नीचे वाले में दो वायर हमने पहले से इंस्टॉल करके रखा है, एक लाइट का और एक न्यूट्रल का, जो हमारा जनरेटर से होगा ऑपरेट या दूसरे लाइन से हो सकता है। तो हम दो वायर और अटैच करते हैं। देखिए, हमारे पास खंभे से आई हुई दो वायर हैं, या आपके मीटर वगैरह से कहीं से भी आ सकती है। ये देखिए, येलो कलर की जो है वो लाइट की मेन है, और जो ब्लैक कलर की वायर है वो न्यूट्रल है। तो इन दोनों वायरों को हम सेम उसी तरीके से अटैच कर देते हैं एमसीबी के पहले वाले ऊपर वाले पोल पे, तो ताकि हमारा एमसीबी चेंजर ऊपर करने के बाद हमारा अच्छे से लाइट वर्क करे। तो हम इसे अच्छे से टाइट कर सकते हैं, और सॉरी टाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम ये न्यूट्रल का वायर, इसको भी अच्छे से टाइट कर देते हैं एमसीबी चेंजर में। तो आइए हम इसको फटाफट टाइट करके दिखाते हैं आपको। टाइट करने के बाद दोस्तों, एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, आप जब भी कोई स्क्रू वगैरह टाइट करें, नट वगैरह, तो काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट करें, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांस ना रहे। फिर हम ऐसे ही इस वायरों को अच्छे से लगा देते, ताकि ढक्कन लगाने में हमको, इसका कवर लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम फटाफट कर लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा चैनल, आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम समझ में आती है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस टॉपिक का के लिए फिर से रिपीट भेज रहे हैं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं, खंभे से आई हुई दो वायर से हमने कनेक्शन करके आपको बता दिया है। तो ये जो हम एमसीबी है हमारा, ऊपर करने पे हमारा लाइट चालू हो जाएगा, और चेंजर जैसा कि आपको बताए थे, ऊपर के साइड में हमारा लाइट जो आया हुआ है अभी फिलहाल में वो चलेगा, और बीच में हमारी लाइट कट जाती है और सेकंड टाइम पे आपकी ओपन हो जाती है। देखिए, हम जैसा कि ऊपर किए हैं, जैसे हमारा लाइट चालू हो गया है एमसीबी चेंजर से, उसी तरीके से हम इसको वापस से शॉर्ट होती है, तो हमारा ये एमसीबी गिर जाएगी। तो हाई एमसीबी शॉर्ट होने पे गिरती है, और एमसीबी चेंजर लाइट को चेंज करने के काम में आती है। दो वायर हमने जो निकाली है, ये जनरेटर के लिए है। ओके दोस्तों, जैसा आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, तो आप सब कमेंट करिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सब हमारे चैनल को जिस तरीके से आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।